हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनूप आखरे और आज हमारा दिन है 15वां। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 14वें दिन हमने सीखा था कि हैज और हैव का प्रयोग हम कहां करते हैं। आज मैं बता रहा हूं हैज और हैज का नेगेटिव। इसका हम क्या बता रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव यानी नहीं है। कल हमने पढ़ा हुआ था, यानी 14वें दिन हमने पढ़ा हुआ था कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास किताब है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कई बार बोलते हैं तुम्हारे पास ये चीज़ है, जैसे किसी ने बोला आपके पास मोबाइल है, तो मुझे ये भी तो कहना पड़ेगा नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास टू व्हीलर है, तो मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास टू व्हीलर नहीं है। तो भाई सेंटेंस तो वो भी बनेगा ना, तो उसी चीज़ के लिए सीखे आप। हमें पता है कि हैज हैव का हम प्रयोग कर रहे हैं। हैज हैव का मीनिंग जो होता है रखना या पास होना, हमारे पास वो होता है। हमें हैज कहाँ लगाना है? हैज ही यानी वह। देखिए इनके भी मैंने पूरी चीज़ें बताए हुई हैं, पूरे मीनिंग्स बताए हुए हैं, उसका भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ही यानी वह लड़का है, सी लड़की है, वह नेम किसी का भी नेम, इट वह सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे, हैव हम लगाएंगे आई के साथ, यू आपके साथ, वी हम के साथ, दे बे के साथ, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। क्लियर? तो हम हमें बनाना है क्या? नेगेटिव। यानी अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगा कि मेरे पास किताब नहीं है, मैं अगर एक सेंटेंस बनाऊंगा कि मेरे पास किताब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नो। देखिए इसमें आप नो का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, वैसे नो का प्रयोग कई लोग करते हैं, आप इसमें नो का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर, मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई हैव नो टू व्हीलर। मेरे पास फोर व्हीलर नहीं है, आई हैव नो फोर व्हीलर। आपके पास जो भी चीज़ ऐसा लगता है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप उसमें नो का प्रयोग करेंगे और आपका सेंटेंस वहाँ बन जाएगा। जैसे अगर हम एक सेंटेंस और बात करें कि राहुल के पास, राहुल के पास हम क्या बोलें कि उसके पास पेन नहीं है, पेन नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसे? तो राहुल नेम हैज, तो राहुल हैज नो पेन, राहुल हैज नो पेन। इस तरह के आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं एक और चीज़ बता दूं कि कई तरह के जो लोग हमसे कमेंट्स पूछ रहे हैं, कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर क्या ये सही है। देखिए कई बार चीज़ों को बता पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों के कॉल से भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिए, हम ज़रूर बताएंगे। और एक और, यदि आपको ऐसा लगे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवाने हैं, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज का जो कमेंट्स में आपको लिखना है, इसका एक सेंटेंस आपको लिखना है। देखिए लिखने का मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हमें इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश लिखना और बोलना पड़ेगा। कई बार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे बात की, तो कई लोगों के मम्मी पापा बहुत खुश हैं, लेकिन कई बार कई लोगों का ये कहना भी था कि मम्मी पापा उन्हें डांटते हैं जब वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए मेरा बच्चों से ही कहना है कि मम्मी पापा तो हर व्यक्ति के चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, कि बेटा आप एक काम करिए कि अपना टाइम थोड़ा सा चेंज करिए, जब मम्मी पापा फ्री हों या फिर आप जैसे कोई का आपका ऐसा रूम हो जहाँ पे आप थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। शाम के समय प्रैक्टिस करिए, या फिर जब प्रैक्टिस करिए जब पापा कहीं जॉब पर गए हुए हों तब प्रैक्टिस करिए। कई बार क्या होता है कि आप भी तब प्रैक्टिस करते हैं जब कोई काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, अपना टाइम सेट कर लीजिए, उस टाइम के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। कोई भी चीज़ के लिए मैंने बता दिया आपको कि जब नहीं अगर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास कोई पास चीज़ नहीं है, उसके लिए हम हैज़ नो का या हैव नो का प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।